नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के कलवेरी गांव से, जहां पर अवर्धन नहर में जो है एक व्यक्ति का जो है शव मिला है। और शव की हालत देखकर हालांकि यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी पुरानी जो है डेड बॉडी जरूर है, क्योंकि वो पूरे तरीके से जो है गल चुकी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, ताकि शव को जो है कल्पना चावला अस्पताल लेकर जाया जा सके। आप लोग देख सकते हैं जांच अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। अवर्धन नहर की लाइव तस्वीरें कलवेड़ी गांव के नज़दीक, जहां आपको बता दें हालांकि जो शव है उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका मुंह जो है, बॉडी जो है वो पूरे तरीके से गल चुकी है, पैर जो है वो उसके बंधे हुए थे। हो सकता है कि ये हत्या का मामला हो, हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है। और पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंची है उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। किस तरीके से अवर्धन नहर में जो है एक व्यक्ति का शव मिला है, शव जो है पूरे तरीके से फूला हुआ है और पानी में होने की वजह से जो है शव गल चुका है। आप लोग देख सकते हैं सरकारी एम्बुलेंस हो, पुलिस की टीम हो, वे जो है मौके पर मौजूद हैं। गोताखोर को जो है मौके पर बुलाया गया था और उनकी मदद से जो है शव को बाहर निकाला गया, और अब जो है उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाया जा रहा है ताकि उनका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा सके। हालांकि जो पूरा प्रोसेस रहता है कि 72 घंटों के लिए शिनाख्त के लिए जो है शव को रखा जाता है, तो वो रखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शव की हालत जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरी ज़रूर है, क्योंकि शव पूरे तरीके से जो है गल चुका है और फूल के जो है बंधे हुए थे। आशंका यही जता रही है कि ये हत्या भी हो सकती है, हालांकि पुलिस जांच का विषय ज़रूर है और पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस की टीम से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से अपील यही करेंगे कि इन तस्वीरों को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेड बॉडी की तस्वीरें जो है हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है डेड बॉडी इस समय गल चुकी है, फूली हुई है, क्योंकि पानी के अंदर जो है डेड बॉडी मिली है। अवर्धन नहर जो कि कलवेरी गांव के नज़दीक जो है डेड बॉडी जो है वो नहर के अंदर मिली है। गोताखोरों को जो है मौके पर बुलाया गया था और उनकी मदद से शव को जो है हालांकि बाहर निकाला गया, और पैर जो हैं वो शव के बंधे हुए थे। आशंका हत्या की जताई जा रही है, जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे इन तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, और जो जांच है, कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग आपको बता दें कलवेरी गांव में अवर्धन नहर में जो है एक व्यक्ति का शव मिलता है, जिसके फिलहाल यही बताया जा रहा है कि दोनों पैर जो हैं वो रस्सी से बंधे हुए थे, तो इसलिए शंका जो है वो हत्या की जताई जा रही है। कुंजपुरा थाना की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची है, सच्चा साहब से भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हालांकि शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस रखवाया जाएगा 72 घंटों के लिए, ताकि उसकी जो है शिनाख्त करवाई जा सके, लेकिन जो शव की फ़िलहाल की स्थिति है पूरे तरीके से जो है शव गल चुका है, पानी भर चुका है। आप लोग देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है मौके पर मौजूद है और जांच करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि शव की जो तस्वीरें हैं वो हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं, बुरी तरीके से जो है शव इस समय गल चुका है, पानी का भाव कहीं ना कहीं तेज़ ज़रूर है। और इस वीडियो को शेयर इसीलिए भी कीजिएगा क्योंकि जो भी अगर किसी का परिवार का व्यक्ति मिसिंग है, क्योंकि जहाँ से ये पानी आता है, जिस रूट से ये पानी आता है, कहीं ना कहीं उन सभी रास्तों पर किसी का भी अगर परिवार का कोई व्यक्ति मिसिंग है, तो वो कहीं ना कहीं जो है इस बारे में आकर पूछताछ ज़रूर कर सकते हैं और उनका जानकारी पहुंच सके। इसके लिए भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जो भी ज़रूरी छानबीन है, कार्रवाई है, वो की जा रही है। SHO साहब भी जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है कुंजपुरा थाना से, एक बार हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ आपको पता लगा? और यहाँ पर जानकारी ये मिली थी कि एक डेड बॉडी जो है वो अवर्धन नहर में अटकी हुई है, तो इस सूचना पे हम आए थे, तो अरेंजमेंट्स करके बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी जब फाउंड हुई है तो उसके पैर बंधे हुए हैं, तो बाकी जो है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर, कहाँ से ये नहर का पानी जो है आता है, मतलब किस रूट से आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है जानकारी इस बारे में पूछा जाए। ये यमुना साइड से आता है, जो भी कंसर्नड एरिया संबंधित रिलेटेड या कनेक्टेड एरिया सब जगह जो है वो ट्रांसमिशन करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्दी इसकी शिनाख्त हो सके। सर, FSL की टीम भी मौके पर बुलाई गई? जी हाँ, FSL की टीम भी सीन ऑफ क्राइम एग्जामिनेशन के लिए मौके पर बुलाई गई है और बॉडी को इंतजाम करवा करके पोस्टमार्टम करा के फिर कुछ पता चल पाएगा। तो ये आपने देखा कुंजपुरा थाना से SHO हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि यमुना नगर की साइड से जो है इस नहर का पानी जो है वो आता है, तो वहाँ पर भी जो पूरा रूट है उसके बारे में भी सभी थानों में जो है जानकारी ज़रूर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं गोताखोर जो है वो मौके पर मौजूद हैं और उन्हीं की मदद से जो है शव को बाहर निकाला गया। FSL की टीम मौके पर पहुँची,
पूरी जो है जांच करने के लिए, ताकि सभी पहलुओं से जो है जांच की जा सके। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन सभी रूट तक अगर किसी का भी कोई भी फैमिली मेम्बर जो है मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं उन तक जो है जानकारी ज़रूर पहुँच सके। शव के दोनों पैर जो हैं वो बंधे हुए थे, तो हत्या की आशंका भी इसमें जो है जताई जा रही है। जैसे कि SHO साहब से भी हमने बातचीत की, जैसे कि उन्होंने भी बताया कि हालांकि इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा बाकी सभी एरियाज़ में जहाँ से जो है इस नहर का पानी आता है, ताकि सभी थानों से जो है पूछताछ की जा सके, कहीं से किसी की मिसिंग की जो है कोई कंप्लेंट हो या कोई गुमशुदगी का जो है मामला दर्ज हुआ हो, ताकि उनके बारे में जो है परिवार के लोगों को जानकारी दी जा सके। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गोताखोर जो है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, FSL की टीम मौके पर मौजूद है। जो गाँव के सरपंच हैं उनके द्वारा जो है ये जानकारी दी गई थी कि नहर में जो है एक शव है, हालांकि फिलहाल जो है सरपंच मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन जानकारी उनके द्वारा दी गई थी, जिसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, FSL की टीम यहाँ पर पहुंची, और जो भी कार्रवाई है वो जो है यहाँ पर की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं आसपास के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शव की तस्वीरें हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं पूरे तरीके से, जो है शव के जो हाथ पैर हैं वो गल चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं गोताखोर जो है वे मौके पर मौजूद थे, जिनकी मदद से जो है शव को निकाला गया। शव के दोनों पैर जो है वो रस्सी से बंधे हुए थे, और पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची। जब गांव के सरपंच द्वारा जानकारी दी गई तो तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, FSL की टीम मौके पर पहुंची, सभी पहलुओं से जो है जाँच की जा रही है। आप लोग इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, FSL की टीम हो, पुलिस की टीम हो, वो जो है इस समय मौके पर मौजूद हैं, जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय कलवेड़ी गांव से देख रहे हैं। अवर्धन नहर में एक व्यक्ति का शव जो है वो मिला है, जिसके दोनों पैर जो है बंधे हुए थे। यमुनानगर की साइड से जो है इस नहर का पानी आता है, तो हो सकता है कि उस तरफ से जो है ये शव तैरता हुआ यहाँ तक पहुँचा हो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अगर नहर में डूबता है तो 3 दिन के बाद पानी भरने की वजह से जो है शव ऊपर आता है, तो हो सकता है कि पुरानी डेड बॉडी हो। हालांकि ये जांच का विषय ज़रूर है, और इसमें जल्द से जल्द जांच हो, इसके लिए भी इन तस्वीरों को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अवर्धन नहर की, कलवेड़ी गांव की ये लाइव तस्वीरें, जहां पर दोनों पाँव बंधे हुए जो है एक शव जो है वो नहर के अंदर मिला है, पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि बॉडी जो है शव जो है वो बुरे तरीके से गल चुका है पानी में होने की वजह से। लेकिन एक पुरुष का, एक व्यक्ति का जो है ये शव है नहर के अंदर जो कि मिला है, जिसके दोनों पाँव बंधे हुए थे। हम जैसे कि हमने SHO साहब से भी बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से सभी पहलुओं को लेकर जो है जांच जारी है। FSL की टीम मौके पर पहुंची, गोताखोर मौके पर थे जिनकी मदद से शव को निकाला गया है। गाँव के सरपंच द्वारा जो है जानकारी दी गई थी कि अवर्धन नहर में जो है एक शव बरामद हुआ है, जिसके बाद तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया और उनके मदद से जो है शव को बाहर निकाला गया। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई, और हमारी आप लोगों से अपील ही रहेगी, इन तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई ज़रूर हो। कलवेड़ी गांव की लाइव तस्वीरें, अवर्धन नहर में एक व्यक्ति का शव जो है मिला है, जिसके दोनों पाँव बंधे हुए थे। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, FSL की टीम मौके पर पहुंची थी, और सभी पहलुओं को लेकर जाँच जो है वो जारी है। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।